कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज है जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और मेरी फैमिली के साइड से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30। तो अभी मेरे को इंट्रो करने का टाइम मिला है, सही तो बहुत ज्यादा बिजी थी मॉर्निंग से। तो चलिए बैक में जाते हैं और देखते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। और अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो ब्लॉग को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या किया है। राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह पहले मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया था और स्नान करा के उनको उन्होंने कपड़े पहना दिए। तो चलिए अभी उनको उनके आसन सिंहासन पे बिठाते हैं। और मैंने उनका झूला भी रेडी कर दिया है। सॉरी गाइस, मैंने जब मंदिर डेकोरेट किया ना तो उसका वीडियो मैं लेना भूल गई। तो मंदिर मैंने डेकोरेट कर लिया है, कान्हा जी का झूला भी डेकोरेट हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग की मैं पूजा कर रही हूँ। और मॉर्निंग में तो मैंने कान्हा जी को फ्रूट का ही भोग लगाया है। तो अभी आप देख सकते हो जो मैं ये ना एक गूगल लेकर आई हूँ। इससे क्या है, ये घर में ना शुद्धि होती है। इससे इसमें जो भी हवन का सामान होता है ना, मुझे जिनसे लेकर आई हूँ उन्होंने बताया हवन की कुछ सामग्री होती है, इसको जलाने से घर में शुद्धि होती है। तो बस इसको मैंने जला दिया है और अभी हम कर लेते हैं पूजा। तो बस मैंने यहाँ पर सुबह की पूजा कर ली है। तो बताइए कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं और मंदिर कैसा लग रहा है। और मॉर्निंग में मैंने माखन मिश्री का ही भोग लगाया था। तो अभी आप देख सकते हो माखन मैंने रखा हुआ है। और ये है मेरा मंदिर, अच्छे से मैंने डेकोरेट किया है। तो बताओ कैसे लग रहा है आपको। और ये यहाँ हैं गुरु जी और ये हैं कान्हा जी। तो बस मॉर्निंग की पूजा के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी हो रहा है दिन का टाइम। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ भोग का प्रसाद बनाने की। और भोग का प्रसाद में आज बन रहा है साबूदाने की खीर, साथ में आलू का झोल, पूड़ी और जो चूरमा है जो कान्हा जी को बेहद पसंद है वो तो बनेगा ही बनेगा। तो दूध बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है, दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है। साथ में मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कट करने के रख कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। और साथ में दूध को भी बीच बीच में चलाते रहना कहीं नीचे से वो चिपके। और साबूदाना मैंने आधे घंटे पहले भिगो रखा था और दूध जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है, उसमें मैंने डाल दिया साबूदाना। अभी इसको अच्छे से और बॉयल होने देंगे साबूदाने के साथ में। फिर जाकर मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी। आप चाहो तो बूरा भी ऐड कर सकते हो और चीनी है तो चीनी भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने चीनी ऐड कर दी है। 5 से 10 मिनट तक और अच्छे से बॉयल होने देंगे। जितनी भी बॉयल होएगी ना उतनी अच्छी खीर हमारी बनेगी। तो साथ में मैंने आलू का झोल बनाने की तैयारी कर दी है। इसमें मैंने लौंग जीरा डाला है, साथ में टमाटर डाल दिया है। और टमाटर में जो रेगुलर मसाले होते हैं नमक, हल्दी, मिर्च और क्या नाम है सूखा धनिया, हरा धनिया, ये सब कुछ डालना है। और मैं ही इसमें हल्दी डालना भूल गई थी। मुझे ना थोड़ा सा मैं उसमें चली जाती हूँ जब व्रत वाला खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे नवरात्रि याद आ जाता है क्योंकि नवरात्रों में हम वो यूज़ नहीं करते ना हल्दी। तो उसमें यहाँ पर हल्दी यूज़ करना भूल गई थी। और आलू डाल के पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जो खीर है उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के बंद कर दिया है। ऑलमोस्ट जो प्रसाद है बन चुका है, जैसे कि आलू का झोल बन गया है, खीर बन गई है साबूदाने वाली। और मेरे को बनाना है चूरमा, वो मैं बनाऊंगी अभी रुककर। और साथ में पूड़ी भी रुककर ही बनाऊंगी। तो ये दोनों मेन चीज़ें बन गई है। और बस अभी मुझे करनी है अपनी किचन क्लीन और ख़ुद को रेडी करना है, नन्नू को रेडी करना है। टाइम हो गया है 6:15, फिर मंदिर भी जाना है। कान्हा जी को तैयार कर देते हैं, रेडी कर देते हैं, नोना नोना बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको रेडी करते हैं, फिर जो दूसरे कान्हा जी हैं उनको रेडी करेंगे। और यहाँ पर कान्हा जी को स्नान कराया जा रहा है और ये कच्चा दूध है जो मैंने लिया है। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइस, मैंने जन्माष्टमी का फेस्टिवल ऐसे फर्स्ट टाइम अच्छे से सेलिब्रेट किया है। नहीं तो ये होता था कि हमने घर पे कुछ भी बनाया, वो भोग लगा दिया और मंदिर हो गया, बस हमारी जन्माष्टमी हो गई। तो ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम किया है। अगर मैंने कहीं पर भी गलती करी है तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे बता देना कि मैंने कहाँ गलती करी है, कि वो गलती मैं आगे से ना दोहराऊँ। और मुझे माफ़ भी करना अगर कुछ छूट गया हो तो। और बताइए लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, रेडी हो गए हैं, झूले पे बिठा दिया है,
नन्नू भी रेडी हो गया है, जल्दी खड़ा होके दिखाओ, जल्दी खड़ा होके। वाह बताओ नन्नू कैसा लग रहा अच्छा। है अच्छा अच्छा सबको बोला हैप्पी जन्माष्टमी। अच्छा आज क्या है बताओ सबको? मंडे। अरे मंडे तो है, आज किसका जन्मदिन है? कान्हा जी का। हाँ तो बोलो सबको आज कान्हा जी का जन्मदिन है। आज कान्हा जी का बर्थडे है। मैंने विश कर दिया, आपने कर दिया? आपने कर दिया? कर दिया। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ, नन्नू के पापा भी रेडी हो गए हैं, नन्नू तो रेडी हो ही गया था। और आइए चलिए करते हैं शाम की पूजा। और साथ में ना मैंने भोग की थाली भी लगाई दी है जैसे कि आप देख ही रहे हो। और भोग में मैंने आपको बताया था ना क्या बनाया, पूड़ी खीर और आलू का झोल। और भगवान ने चाहा तो आगे मैं बहुत अच्छा करूँगी और बहुत ही अच्छे से करूँगी। इस बार अगर कोई भी गलती होगी तो भगवान जी माफ़ करना मुझे। और जो मैंने वो बनाया था ना क्या नाम है चूरी का प्रसाद, वो रात को 12 बजे भोग लगाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने किसी से पूछा था हमारे यहाँ पर पंडित जी से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप शाम को भोग लगा सकते हो। जैसे कि मैंने फास्ट नहीं रखा था तो शाम को मैं भोग लगा सकती हूँ कान्हा जी को, और जो चूरमा है उसका रात को 12 बजे भोग लगा दूं। क्योंकि मैंने कई व्लॉग्स भी देखे थे, उनमें क्या था कि रात को 12 बजे ही भोग लगाया, फिर उन्होंने जाकर खाना खाया, बिकॉज़ उनका फास्ट था। तो मेरा तो फास्ट नहीं था। बाकी भगवान भी बोलते हैं कि आपकी श्रद्धा है, आपको कैसे रखना है, कैसे करना है, और अपनी श्रद्धा होती है, बस दिल साफ़ होना चाहिए। बाकी हम भगवान को जैसे भी पूछे, जैसे भी रखे, भगवान उसी में खुश होते हैं। तो बस मैंने शाम को ही भगवान जी को भोग लगा दिया था और चूरमा का रात को 12 बजे। तो बस यहाँ पर अभी भोग लगा दिया है और झुलाते हैं कान्हा जी को झूला। तो बस हमारी पूजा हो गई है और नन्नू आप लोगों को कैसा लग रहा है? बड़ी मुश्किल से मिला इसका ये वाला घुरता। पूजा हो गई है, पहले खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं मंदिर और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के मंदिर में क्या क्या हो रहा है। तो चलो पहले खा लेते हैं क्योंकि जाएंगे ना तो लेट हो जाएंगे। तो बस अभी हम जा रहे हैं मंदिर की है फरीदाबाद का हनुमान मंदिर, मार्केट में ही पड़ता है, एक नंबर की मार्केट में। और यहाँ पर ना गुफा बनी हुई है जहाँ पर सारी बर्फ़ रखी हुई है साइड में, तो बीच में ठंडा पानी होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो साइडों में पानी पानी है। और एक ही मंदिर गए क्योंकि ना एक ही मंदिर में इतनी भीड़ थी और मंदिर में हमें लगा कि भीड़ ही होगी, तो बस इसी वाले मंदिर में होके हम घर चले गए थे। तो आइए दिखाती हूँ कि मंदिर ये कैसा है। तो ये देखिए यहाँ पर है सारे भगवान जी और बाकी सारे बच्चे भी बने हुए थे, जो कि कोई राम जी हैं, कोई लक्ष्मण जी हैं, कोई कान्हा जी बने हुए हैं। तो सभी बच्चों में भगवान का रूप ही होता है। तो बस ये देखिए ये है यहाँ का मंदिर। और नन्नू ने भी इंजॉय किया ना, नन्नू ने भी खूब मस्ती करी। फिर झूला भी खाए थे, झूला भी खाया था नन्नू ने। और ये देखो ये अच्छे से डेकोरेट हुआ है, यहाँ पर मैंने नन्नू की फ़ोटोज़ खींची और ये पोज मार रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कान्हा जी को झूला झुलाया जा रहा है और ये है हनुमान जी। और यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं जैसे कि कृष्ण जी बने हुए हैं, राम जी बने हुए हैं। और ये देखो ये है हनुमान मंदिर, एक नंबर की मार्केट में। आया जो लगाने में हाँ जी। और देखो अब 10:15 हो गया, अब सोना है। नहीं, रोटी खा कर गए थे हम। पूरी खाई थी। कब क्या है कब पूरी खाई थी ना? नहीं नहीं खाई पूरी। जूता पूरी खा गया क्या?
नींद में। और यहाँ पर बज चुके हैं 12, मतलब 12 बजने में एक मिनट है, तो मैंने दिया जला लिया है और बस यहाँ पर मैंने कुछ भजन चला लिए थे जो कि बड़ा आनंद आ रहा था। बाकी घर में नन्नू नन्नू के पापा भी सो चुके हैं और बस मैंने यहाँ पर कान्हा जी की आरती कर दी, झूला झुलाया और जो मैंने वो वाला प्रसाद बनाया था चूरमा का, तो वो भी भोग लगा दी था कान्हा जी को। तो मैंने ऐसे सेलिब्रेट की है जन्माष्टमी, आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट की ये ज़रूर बताइएगा, और मेरे से कहीं भूल चूक होगी हो तो दिल से सॉरी, मुझे माफ़ करना और मुझे बताना कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं उसको ना दोहराऊं। और मैंने कैसे सेलिब्रेट की वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा जी। तो ये था आज का व्लॉग, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।